अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला विराजने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। निमंत्रण से लेकर रामलला के दर्शन तक, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से लेकर राम जी के नाम तक सियासत गर्म। राम कहीं श्रद्धा है, कहीं मुद्दा है। और राजनीति चुनावी चौसर पर अपने दांव चल रही है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। सवाल राम पर उठे तो जवाब भी राम के नाम पर दिए गए। क्या बोल रहे त्यावार? हमारे भगवान राम के बारे में अनाप शराप बोलोगे और आपको लगता है ये सरकार चुप बैठेगी? अरे चुप बैठने वाली वो उद्धव सरकार थी जो देवी देवताओं की विडंबना होने के बाद भी कुंभकर्णी निद्रा में थी। महाराष्ट्र की सरकार किसी भी ऐसे दुष्कृत्य को न वर्तमान में सहेगी न भविष्य में। तेजस्वी जी ने जिस ढंग से कहा और जितेंद्र जी ने कहा और भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गाली देते रहते हैं, ये लोग सोची समझी रणनीति से गाली देते हैं। सनातन को अपमान करना, अपमानित करना, जो पटना में हज भवन है उसमें अस्पताल क्यों नहीं बना देते? आज घोषणा कर दें, लगेगा कि आप सेकुलर हैं। डर है, ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। कोई अनहोनी घटना न घटा दे। 2024 का चुनाव अब नजदीक। अपने अपने वोट बैंक है, अपनी अपनी राजनीति है। भगवान राम का मुद्दा भावनाओं को छूता है और राजनीति भावनाओं को खूब भुनाने में जुटी। उनके ट्वीट से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता झलकती है। जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, आज मनुवादी जैसे एक शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही। इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदय निधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सकें, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। भगवान जिसको बुलाएंगे। चुनावी मौसम है इसीलिए धर्म से बड़ी राजनीति दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण कई विपक्षी दल के नेताओं को भेजा गया, लेकिन प्रतिक्रियाएं वोट बैंक के नफा नुकसान के अनुसार आती रही। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। वो आए, हमें आमंत्रण दिया नृपेंद्र मिश्रा जी एक VHP के नेता के साथ आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया। लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह, ये उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेज स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। अब इस तरीके से इसके राजनीतिकरण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम, तो इसलिए हम जाएंगे नहीं। कांग्रेस ने अपने नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा से पहले या उसके बाद मंदिर में भगवान के दर्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को 22 जनवरी का निमंत्रण मिला है। जाएंगे या नहीं ये अभी तक बताया नहीं, पर पार्टी के नेताओं की तरफ से आने वाले बयान सियासी संकेत स्पष्ट रूप से दे रहे हैं।
जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं, दो महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं, मतलब प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के लिए। अरे राम स्वतः सिद्धरामय्य राम आ राम को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। चुनावों की घोषणा तक राजनीति में कौन से नए मुद्दे और सामने आए ये आने वाले कल की बात है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर फिलहाल देश की सियासत आगे बढ़ रही है, ये आज का सच है। मतदान पर इसका कितना असर पड़ेगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन राजनीति का काम नहीं चल रहा बिना राम के नाम। बीजेपी को उम्मीद है कि आम चुनावों में राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो गठबंधन इंडिया के कई साथी इसी मुद्दे के बीच अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं। कांग्रेस राम मंदिर उद्घाटन समारोह के समानांतर ही न्याय यात्रा के सहारे अपनी सियासी लकीर खींचना चाहती है। माना जा रहा है कि इसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से समय समय पर यह प्रयास भी दिखता है कि पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को न मिले। इसी दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहां पर भी बातचीत करेंगे। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक जारी रहेगी, पर सवाल है कि ये यात्रा जनता के मन को जोड़ेगी या फिर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। पहले ये अपने साथियों के साथ न्याय कर लें। एक साथी कहता है कि जी हमें जो है वो हम नेतृत्व करेंगे, दूसरा कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे, तीसरा कहता है हम नेतृत्व करेंगे, तो ये नेतृत्व की जो नैया है ये कौन डुबोएगा और कौन इसको जो है वो बाहर निकालेगा, पहले ये तय कर लें। दूसरी चीज़, ये कांग्रेस आज की तारीख में ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनी हुई है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं है। अब इस डूबते हुए जहाज में इनके सारे जो है वो जुआड़ के लोग जो है जुआड़ का जमघट इकट्ठा हो रहा है, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थिति है। राहुल गांधी की पदयात्रा जिसको कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया है, वो मणिपुर से शुरू होकर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 14 राज्यों और 85 जिलों से होते हुए 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त होगी। ये पूरी यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस को इस यात्रा से बड़े फायदे की उम्मीद है। यात्रा जो है पूरे तरीके से लोगों से जनसंपर्क यात्रा के साथ साथ अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और जनता को जो वास्तविकता है उसकी जानकारी देने के लिए है। ये पदयात्रा नहीं होगी, ये बस से जाएंगे, लेकिन जो शहर और कस्बे होंगे वहाँ 5-5 10-10 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे।
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण गया है, जिस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ममता बनर्जी ने जाने से इनकार कर दिया है। लेफ्ट पार्टियों ने भी अयोध्या नहीं जाने का निर्णय लिया है। उधर न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को आमंत्रित किया है। ये जाहिर है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कई और नेता चुनावों के दौरान मंदिरों में दर्शनों के लिए जाते रहते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की इस यात्रा में मणिपुर एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के भाषणों में अडानी मुद्दा छाया रहा था। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठाएगी, बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी।